फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल, और ये वाला सूट पहना मैंने, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। ये सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बजे होंगे, 6:30 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, और मैं खड़ी हूँ घर की बालकनी में, क्योंकि अभी मैं फ्री हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच बना दिया है मैंने बेटी का और हस्बैंड का, तो मैं बाहर खड़ी हूँ, थोड़ा सा देख रही हूँ। रात में जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो भी मैंने अभी सुखा दिए, और अभी बेटी जो है रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। उसके पापा पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे हैं, तो फिर दोनों जो है साथ में जाएंगे। इसके पापा उसे छोड़ते हैं सुबह स्कूल में, और मैं लेने जाती हूँ। तो अभी मैं भी बैठी हूँ फ्री होके, थोड़ी देर तो फ्री है, उसके बाद फिर बाकी के घर के काम शुरू हो ही जाएंगे। तो अभी बैठी हूँ, जब तक बेटी स्कूल के लिए निकलेगी उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, पार्किंग से गाड़ी निकाल ली है हस्बैंड ने, और बेटी जो है गाड़ी में बैठ गई। हाँ। तो अब ये लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पर देखिए, तो आप दिखा रही थी मैं आपको ऊपर से सुबह, ये 6:30-7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए निकल गए स्कूल के लिए। देखिए कपड़े मैंने जो कल वॉश किए थे वो सारे यहाँ पर सूखने के लिए सुबह सुबह ही डाल दिए, ताकि दोपहर तक अच्छे से सूख जाएंगे। आजकल जल्दी अच्छे सूख जाते हैं कपड़े। हस्बैंड और मेरी बेटी गए हैं, हस्बैंड लेकर गए उसको स्कूल, तो मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई चाय। सुबह सुबह का टाइम जो होता है बड़ा हैक्टिक होता है, फटाफट से सारे काम करने होते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और ब्रेकफास्ट, लंच, ये दोनों चीज़ें होती हैं सुबह सुबह एकदम अर्ली उठ के। तो मैंने आपको दिखाया था ना, सेम की सब्जी को मैंने काट के रखा था, फली को, तो उसको मैंने आज आलू और सेम की सब्जी बनाया। शूट कुछ नहीं करा क्योंकि बहुत जल्दी थी, तो फटाफट से ना बनाया वो। तो लंच में बेटी को भी वही दिया है, पराठे और सेम आलू और सेम की सब्जी, और हस्बैंड को भी वही दिया। और ब्रेकफास्ट एक आधा घंटा सोती हूँ, फिर 6:30-5:30 उठना होता है मुझे रोज़ डेली। आज मैं 6 बजे उठी हूँ। तो अब ये है चाय, तो सब्जी कटी हुई थी, आटा जब ज़रूरत होती उतना ही आटा लगाती हूँ, ज़्यादा आटा नहीं लगाती। तो फटाफट सब्जी कटी रखी थी और फटाफट से खाना बन गया और मैंने दे दिया। तो चलिए आप भी आ जाइए, आप भी चाय पी लीजिए। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल, और ये वाला सूट पहना मैंने, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और इस टाइम 1:27 टाइम हो रहा है घड़ी में, और अब मैं निकल रही, इतनी धूप में निकलना होता है, तो बहुत इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए फिर मैं अभी जा रही हूँ बेटी को लेने, फिर वहाँ से आके आपसे मिलूँगी। तो पहले बेटी को लेने जाऊंगी, और फिर उसको आके घर में फिर लंच वगैरह बना के, बच्चों का लंच वगैरह देने के बाद फिर आपसे मिलूंगी। तो चलिए फिर मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ। तो घर से निकल के मैंने रिक्शा कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो मैंने मेट्रो तक के लिए रिक्शा कर लिया, उसके बाद मैं मेट्रो से जाती हूँ आगे। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं मेट्रो में हूँ, और दोपहर में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पीक पर होती है, तो इसलिए ज़्यादा लगती है गर्मी। तो अब स्कूल से मैं आ गई हूँ लेकर बेटी को, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊँगी लंच, कल जो मैंने पालक को ब्लांच करके रखा था उसका, अभी मैं दोपहर के लंच में पालक पनीर बना लूँगी, क्योंकि कल रात को बॉईल करके रखा था फ्रिज में, तो वो रेडी है। थोड़े से मसाले और प्याज लहसुन अदरक मैं एक ही में जो है तैयार कर लेती हूँ चॉप करके, तो बहुत जल्दी से बन जाता है, टाइम नहीं लगता। क्योंकि घर के बहुत सारे काम थे, उस वजह से मैं जो है लंच बना नहीं पाई थी। जब तक लंच बनाने का टाइम होता है तब तक लाने का टाइम हो जाता है स्कूल से बेटी को, तो कई बार लंच की तैयारी कर जाती हूँ और आके बनाती हूँ फिर लंच, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाता है। तो अभी पालक मैंने फ्रिज में से निकाल लिया, और इसको जो है जार में डाल के ना, ग्राइंडर जार में, इसका अच्छा सा एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी।
पालक पनीर में डालने के लिए मैंने एक यहाँ पे प्याज ले लिया है और थोड़े से लहसुन और हरी मिर्च ले लिया, और एक टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इन सारी चीज़ों को आप इसमें मतलब एक साथ ही जो है मैं या तो मिक्सी में आप पीस सकते हैं ग्राइंडर जार में, या चॉप कर सकते हैं। मैं चॉप करके ऐड करती हूँ तो उससे जो है एक दरदरापन रहता है मसाले में, और सब्जी जो है टेस्ट हर सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप चॉप करके चीज़ें डालते हैं। तो मैं इसमें ये सारी चीज़ें एक साथ ही कर लूँगी, तो एक तो टाइम भी बचेगा और जो खाना है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये खट्टा वाला टमाटर है तो मैंने एक ही टमाटर लिया है, और अभी इसमें इसको जो है चॉपर में डाल के इसको फटाफट से चॉप कर लेंगे और बहुत जल्दी से बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पालक पनीर बना था, तो मैं अभी इसको फटाफट से जो है ग्राइंडर जार में डालकर चॉपर में इसको भी चॉप कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। पालक पनीर की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आज मैं फटाफट वाला काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो है रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। वैसे मैंने पहले बनाई ही है ये पालक पनीर की सब्ज़ी, तो उसका मैंने शायद इसकी रेसिपी शेयर की ही है, तो आगे फिर कभी दोबारा भी शेयर कर दूँगी। बट आज जल्दी जल्दी था तो मैंने फटाफट से काम किया है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। और साथ साथ ना मैं किचन में और भी काम करती रहती हूँ ताकि मेरे काम निपट सकें, क्योंकि मैं सिंगल ही सारे काम करती हूँ, इसलिए मुझे सब मैनेज करना पड़ता है और सब कुछ जल्दी जल्दी मुझे ही करना है। मुझे मालूम है कि मुझे करना है, तो मैं बर्तन वगैरह भी जो रखे होते हैं सिंक में वो भी थोड़े थोड़े से साफ़ करती रहती हूँ, ताकि इकट्ठा ना हो ज़्यादा और सिंक भरा ना रहे, तो सही भी रहता है, अपना ही काम का बर्डन कम होता है। और फिर जब हमको करना है, वेट नहीं करना, तो फिर रखा भी क्यों जाए, फटाफट से निपटा दिया जाए। किचन में खड़े खड़े हम बहुत सारे काम निपटा सकते हैं, जैसे कि हम जैसे अभी मान लीजिए, जैसे मैं सब्जी बना रही हूँ तो प्याज टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें भून रही हैं, तो जब तक ये भून रही है तो इसे हम खड़े रहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उस समय पे हम और बाकी काम निपटा सकते हैं और अपनी सब्जी वगैरह जो भी हम बना रहे हैं किचन में उस पर भी वॉच रख सकते हैं। तो मैं देखिए साथ साथ ये दोनों ही चीज़ें कर रही हूँ। ऐसे ही आप चाहें तो अपने किचन में खड़े खड़े खाना बनाते हुए ही कुछ जो आपकी यूटिलाइजेशन की चीज़ें हैं किचन में, उनको आप साफ कर सकते हैं उसको खड़े हुए। जैसे अब मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, तो जब तक सब्जी बन रही है या मसाला भून रहा है, तब तक आप छोटे छोटे कोई काम किचन वाले निपटा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी और ज़्यादा वहाँ पे आपको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हम काम करते हैं ना, वैसे देखिए मैं जैसे साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो मेरा क्या होता है, कई बार मैं खड़े खड़े जैसे सब्जी का मसाला भून रहा है, या दाल बॉयल हो रही है, या चावल बन रहा है, या दूध बॉयल हो रहा है, तो उसी टाइम पर मैं क्या करती हूँ, कुछ मसाले वगैरह जो बाहर रखे होते हैं बॉटल्स, चीनी चाय पत्ती के डब्बे वगैरह, इन पे कपड़ा लगा के इनको साफ़ कर देती हूँ, स्लैब साफ करती रहती हूँ साथ साथ। तो मेरा किचन हमेशा क्लीन रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा जो है कभी भी किसी फेस्टिवल पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सफाई करने के लिए कि जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ लगाओ तो पूरा किचन या पूरा घर भी, मैं घर में भी इसी तरह से करती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। तो पालक डाल दिया था मैंने, मसाले सारे डाल दिए थे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी, बेसिक से मसाले और पनीर पालक दोनों चीज़ें डाल दी। अब रोटियाँ सेक के फटाफट से मैं दे दूँगी सबको लंच, मतलब लंच बच्चों को और मैं ही करेंगे लंच, बेटी मैं और मेरा बेटा। तो यहाँ पर रोटियाँ बनकर तैयार होगी। तो यह है लंच आज का, पालक पनीर और बूंदी का रायता है, और बेटी ने तो सिर्फ दही ली है, सिंपल दही ली है, और बेटे को मैंने बूंदी का रायता बनाकर दिया था, वो मीठी दही नहीं खाता। तो ये अभी है गुड़िया की थाली, यानी कि मेरी बेटी की थाली है ये, उसको दे जाती हूँ, फिर मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये है अब रात 8 बजे का टाइम है, तो इस टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ, आ गई हूँ किचन में फिर से और बना रही हूँ लंच।
सॉरी डिनर, लंच करने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया था, बस मैंने आज फिर वॉशिंग मशीन लगाई थी, जिसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि अक्सर तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ, हर बार एक ही चीज़ शेयर करना ठीक नहीं लगता। तो कपड़े तो मैंने वॉश किए क्योंकि आज वेडनसडे और कल थर्सडे, तो थर्सडे को कपड़े नहीं वॉश होंगे, तो आज वेडनसडे को मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा जो है खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ, और आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन और आलू की बड़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, चावल और रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है। तो मैं फटाफट से प्याज वगैरह काट रही हूँ, और इसको भी इसी तरह से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक, लहसुन सबको एक साथ ही जो है मैश कर लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ सॉरी, और फिर सब्जी बनाने में बहुत आसानी रहती है। आज मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी बस, क्योंकि ख़त्म हो गई हैं, तो सिर्फ टमाटर, प्याज और लहसुन और अदरक का ही पेस्ट बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, और उसके बाद कुछ खड़े मसाले जैसे दो लौंग, दो काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची, सॉरी एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐड किया है। और क्योंकि 8 बज गए हैं तो फटाफट खाना बना रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। और यहाँ पर सोयाबीन वड़ियों को मैंने बॉईल करके रखा था, और इसका पानी जो है वो छन्नी में डाल के सारा निकाल दिया, दबा दबा के, और फिर एक बार साफ मतलब ठंडे पानी से भी इसको वॉश कर दिया। तो जब भी सोयाबीन की बड़ी बनाते हैं ना, तो उसे कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाना चाहिए, अच्छी तरह से पानी में उसे उबाल के, और उसका पानी जो उसमें एक झाग सा बनता है ना, वो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वो पानी सारा मैंने निकाल दिया, और उसके बाद फिर से वॉश भी कर दिया एक बार, उसको पानी से अलग मतलब आरओ का पानी लेके अलग से भी क्लीन कर दिया है। तो अब ये जो है इसको मैंने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था उसके साथ डाल दिया, थोड़ा सा भून लिया है बड़ियों को, और अब इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, बस यही बेसिक से मसाले हैं। और जो चॉपर में थोड़ा बहुत लगा हुआ था पेस्ट वगैरह, वो भी उसका पानी मिक्स करके मैंने डाल दिया है इस कुकर में, और आलू काट के रख लिए, सोयाबीन की बड़ी और आलू बनेंगे तो उसमें आलू तो डालना ही पड़ेगा। तो आलू काट लिए हैं और यह मसाला अच्छे से भुन गया बड़ियों के साथ, तो इसमें आलू भी हम डाल देंगे। इसे आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या पराठे के साथ, यह सोयाबीन बड़ी आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सब्जी छौंक दी, और ये देखिए दोपहर की यहाँ पे थोड़े से पालक पनीर बचे हैं, 2-4 चम्मच होंगे, तो उसको भी निकाल लूँगी, किसी ने खाना होगा तो दे दूँगी उसे, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा 2 या 4 चम्मच। तो कढ़ाई निकाल के मैं रख दूँगी सिंक में, ये भी साफ़ हो जाएगी, वॉश कर दूँगी इसको भी। तो ये मसाला भून रहा है, साथ में मैंने साइड में रख दिए चावल बनने के लिए, आटा गूंद लिया था मैंने दोपहर में ही, तो आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, तो आटा लगा हुआ रखा है, क्योंकि दोपहर में जब मैंने पालक पनीर बनाया था उस टाइम मैंने आटा भी लगाया था, तो आटा है और सिर्फ चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और ये सब्जी बन गई है। इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी, जितना पानी ग्रेवी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें सीटी लगा देंगे, सिर्फ एक सीटी की ज़रूरत है, जो आलू हैं बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं, तो एक सीटी के बाद मैं इसके अंदर जो है थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड कर दूंगी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। चावल बन चुके हैं अच्छे से, इसको मैंने चावलों को मिक्स कर दिया ताकि इनके जो है लड्डू जैसे ना बने ठंडे होने के बाद, और रोटियां बन रही हैं साथ साथ। अब मैं यहाँ जो है सबको रोटी दे दूंगी, खाना दे दूंगी। तो यही है आज रात का सिंपल सा डिनर हमारा, आलू और सोयाबीन की बड़ी है, ग्रेवी वाली चावल है, और सलाद में प्याज वगैरह रख दूंगी। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा।